इसमें ये स्पेशल नजर आ रहा है कि जो वेंट्रिकल का डिवीजन है ना वो इक्वल नहीं है. दिस इंटरनल वेंट्रिकुलर सेप्टम इज टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट. ये आपका क्या है, राइट एट्रियम. दिस इज लेफ्ट एट्रियम. दिस वन इज राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम इज टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट. This interventricular septum is tilted towards the right. बहुत important चीज है. तो आप ये देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं, what is apex in it? This portion is called apex. किससे बना हुआ? Left ventricle. Clear? The apex is made up of left ventricle. मतलब actual में जो apex beat है वो किसकी beat है? Left ventricle की beat है. Actual में. Clear? तो जो पूरा एपेक्स होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की बीट होती है. और क्योंकि ये टिल्टेड टुवर्ड्स राइट हो गया, इसलिए अगर आप एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकली देखने जाओ, लेफ्ट वेंट्रिकल मॉर्फोलॉजिकली बिगर देन राइट वेंट्रिकल. तो लिख लेना, बिकॉज ऑफ दिस द लेफ्ट राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल इज बिगर देन राइट वेंट्रिकल. एक्सटर्नली द लेफ्ट वेंट्रिकल इज बिगर देन राइट वेंट्रिकल. अब हर सेप्टम की अपनी अपनी स्पेशलिटीज है. क्या क्या स्पेशलिटीज है आप ये देखो. सबसे पहले मैंने आपसे बोला इंटर एट्रियल सेप्टम जो कैसा है, देन इस हिंड सेप्टम के अंदर क्या होता है इन केस ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ. ऐसा होता है, क्लियर. मतलब जब फीटस होता है ना आपका, तो फीटस अपने अंदर क्या होता है, द प्रेशर ऑफ विच साइड ऑफ हार्ट इज मोर, राइट साइड और लेफ्ट साइड? डेफिनेटली लेफ्ट साइड, राइट. लेफ्ट साइड को पंप करना पड़ता है पूरी बॉडी में, और राइट साइड में तो ब्लड आता है, इसको पंप करना पड़ता है सिर्फ लंग्स में. क्लियर. ये रहा हार्ट, वेयर द लंग्स इज सिचुएटेड, ये रहा आजू बाजू में. क्लियर. और पूरी बॉडी को अगर करना है तो ज्यादा पंप करना पड़ेगा, मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको ज्यादा पंप करना पड़ेगा, ज्यादा पंप करना पड़ेगा मतलब लेफ्ट साइड के अंदर प्रेशर ज्यादा है और राइट साइड में प्रेशर कम है. इन फीटस रिवर्स इज ट्रू, द प्रेशर ऑफ राइट साइड इज मोर देन लेफ्ट साइड. क्लियर. तो फीटस के अंदर क्या होता है, प्रेशर उल्टा होता है, रिवर्स होता है, राइट साइड का प्रेशर इज मोर देन लेफ्ट साइड. क्लियर. If the pressure of right side is more than left side, तो मैंने देखो ये जो बनाया ना, ये कैसा बनाया मैंने? What is this? Valve. Valve जैसा ही है ना? अगर इधर से pressure गया जब तो खुल जाएगा, और उधर से pressure आया तो बंद हो जाएगा. Clear? So there is a connection between the right atrium and left atrium in fetus, and this connection is called. This is the speciality of interventricular septum, ना? It is thin and there is a connection between right and left atrium with the help of ये जो बीच में इसके रखा हुआ है इसे अपन बोलते हैं foramen ovum. क्या बोलते हैं इसे अपन? foramen ovum. This is called foramen ovum. Double star लगा लेना. Common question of most of the competitive exam. Where the foramen ovale is situated? It is situated in the interatrial septum. And when we call it foramen ovale? Only in fetus. क्योंकि ये foramen है, अपने पढ़ा था brain में foramen किसे बोलते हैं? Openings. ये एक opening है, और किस shape की है? Oval shape की. तो आपने इसे क्या बोल दिया? Foramen ovale. ये है आपके दिल का छेद, जिसे अपन बोलते हैं. अपन बोलते हैं ना हार्ट में छेद है, तो हार्ट में जो छेद है ना वो यहां पे, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम. अब मैंने क्या बोला, जैसे ही अपन क्या करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और उस अम्बिलिकल कॉर्ड को आप क्या कर देते हो, बंद. जैसे ही आप अम्बिलिकल कॉर्ड को बंद करते हो ना, तो क्या होता है, जो प्रेशर है ना वो उल्टा हो जाता है. मतलब जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लासेंटा दोनों आपके कनेक्टेड है ना, तब तक क्या होगा, प्रेशर ऑफ राइट साइड इज मोर देन लेफ्ट. तो ये क्या रहेगा, हमेशा ओपन.
जैसे ही आप अम्बिलिकल कोड को बंद करते हो, प्रेशर ऑन लेफ्ट साइड इंक्रीजेस एंड ऑन राइट साइड डिक्रीजेस. जैसे इधर प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, ये चीज ऐसे आती है और ऐसे आने के बाद क्या होगा इसका, ये कुछ ऐसी हो जाएगी, थोड़ा सा प्रेशर आएगा. समझ में आ रही बात? मतलब मेरा वॉल्व ऐसा था, वो वॉल्व कैसा हो गया, बंद हो गया और थोड़ा सा ऐसा, जैसे थोड़ा और प्रेशर ज्यादा लग गया हो. मतलब पहले तो बंद और बंद होने के बाद ऐसा है ना, कर्व हो गया. कैसा लग रहा है? इट्स लुक लाइक अ, ऐसा लग रहा है ना, जैसे जो आपका सेप्टम है उसके अंदर मैंने क्या कर दिया ऐसा करके, डिप्रेशन. एंड डिप्रेशन इज कॉल्ड, किसी भी जगह पर डिप्रेशन होता है तो क्या बोलते हैं, जनरली वी यूज अ टर्म फिट, बोलते ना अपन डिप्रेशन होता है तो फिट, या फिर क्या बोलते हैं उसे अपन, फोसा. Either the depression is known as pit or fossa. यहाँ पे क्या use करना है term? Fossa. तो ये जो आपका यहाँ पे depression बना, जहाँ पे foramen ovale था, that foramen ovale which is present in fetus. जैसे ही वो fetus क्या आता है, delivery के बाद बाहर आता है, this foramen ovale is converted into fossa ovalis. इसमें convert हो जाता है fossa ovalis. तो ये याद रखना है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ foramen ovale किस में कन्वर्ट हो गया, fossa ovalis. नाउ बाय चांस बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक व्हाट विल हैपन, अगर ये fossa ovalis नहीं बनता, foramen ovale ऐसा कैसा ही रहेगा, और ऐसा रहने का मतलब, fossa ovalis बनने का मतलब क्या हुआ, क्लोज हो गया. अगर ये क्लोज नहीं होता तो अपन इसे क्या बोलेंगे, नाउ इट विल रिमेन ओपन. रिमेन ओपन को क्या बोलते हो आप, पेटेंट फोरामेन ओपन. मतलब फोरामेन ओपन रिमेन एज सच. And this is actually a disease. समझ में आ रही बात? जिसकी वजह से क्या होता है? Intermixing of blood. Here the blood is deoxygenated. Here the blood is, क्योंकि अब तो बच्चा बाहर आ गया, बाहर आ गया तो लंग्स ने काम करना चालू कर दिया. पहले तो क्या था, मदर से आ रहा था तो सिस्टम ही अलग था पूरा सर्कुलेशन का. अभी सर्कुलेशन का सिस्टम चेंज हो गया, खुद ने आपने क्या करना चालू कर दिया, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये दोनों ब्लड यहाँ पे क्या होंगे, मिक्स होंगे. तो जब भी दिल में छेद होता है ना, तो छेद का मतलब क्या होता है, दिस फोरामेन ओवल विल रिमेन एचएमओ. तो उसे बोलते हैं पेटेंट फोरामेन ओवल, पीएफओ. और वो जब होती है तो वी कॉल्ड इट डिजीज. क्लियर? और इस डिजीज के, डिजीज के अंदर क्या होता है, देयर इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड. और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स होता है तो क्या होता है, the amount of deoxygenated blood in oxygenated blood will increase and it will call cyanosis. तो ये इसका जो cause होता है, cyanosis का cause हो जाता है, और अगर बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हो सकती है, death. क्या करना होता है, open heart surgery करके बच्चे को operation करते हैं अपन, बकायदा heart को open किया जाता है और इसको क्या कर देते हैं, close. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस, जैसे यहां पे क्या थी ओपनिंग, दिस पर्टिकुलर सेप्टम ऑल्सो कंटेन ओपनिंग्स. क्या होते हैं वॉल्व्स, कौन से वॉल्व्स होते हैं, क्या है सेप्टम का नाम, सेप्टम, इसलिए वॉल्व का नाम क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल. ये किस साइड का है, तो नाम क्या हुआ, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, इसका लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल. तो इस जो आपका सेकेंड सेप्टम है, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसकी स्पेशलिटी है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल. एंड द नेम ऑफ वॉल्व इज राइट एवी वॉल्व,
एंड इधर इज लेफ्ट एवी वॉल. एवी का मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर. द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व को जब अपन देखते हैं डायग्राम में तो इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कस्प? थ्री कस्प. देयरफॉर वी कॉल्ड इट ट्राइकस्पिड वॉल्व. ठीक है, तो अगर ऊपर से देखो तो ये ऐसे तीन कस्प नजर आते हैं इसके, इसलिए अपन इसे क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना? डायग्राम देखेंगे अभी अपन नेक्स्ट क्लास में. और ये वाला जो होता है इसे अपन क्या बोलते हैं? इट इज मेड अप ऑफ ओनली टू कस्प, देयरफॉर वी कॉल्ड इट बाइकस्पिड वॉल्व, ऑल्सो नोन एज माइट्रल वॉल्व.